हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है मिस्टर सिंह चैनल पे, एंड आई होप तुसी सारे बढ़िया होगे। सो आज की वीडियो में हम आपको मैं आपको बताऊंगा कि आप यूरोपियन स्टाइल सीवी कैसे रेडी कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी कैसे रेडी करते हैं एज अ यूरोपियन स्टाइल। तो आप गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखिए यूरोपा सीवी। जैसे ही आप यूरोपा, ठीक है, यूरोपा सीवी अगर आप करेंगे तो पहले नंबर पर ही आपके पास वेबसाइट आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर नहीं फाइंड आउट हो रहा तो। देन वेबसाइट ऐसे कुछ दिखती है, क्रिएट योर यूरोपा सीवी, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल जो आप सीवी अपना है अपडेट कर सकते हैं। लॉग इन कीजिए, राइट। आप पहले उसको क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी आप वहां पर लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ लेआउट आएगा वेबसाइट के ऊपर, आप देख सक रहे हैं कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो वैसे ही आप ओपन कीजिए। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑन द टॉप बार देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर लगी हुई है और मेरे बारे में सब कुछ वहां पर एज अ प्रोफाइल मेरी क्रिएट की हुई है। तो ये पूरी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको हाउ टू क्रिएट अ गुड सीवी, प्रोफेशनल सीवी कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रेडीमेड है यहाँ पर, कोई भी आपको ये नहीं कि खुद बनाना पड़ेगा। तो जब आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो आगे वो लॉगिन हो रहा है, आगे का स्टेप आगे चल रहा है। तो अभी हाँ बिल्कुल देखिए, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर और ये मेरी पिक्चर लगी हुई। आप अपनी फोटो लगा लीजिए। फोटो लगाने के बाद पूरी ऐसा ऐसे करके लेआउट दिखेगा। मेन अभी जो मोटिव है हम बात करते हैं क्रिएट कैसे करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ एक क्रिएट अ सीवी की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके लिए एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद देखिए रिज्यूम, अगर आपका कोई लास्ट सीवी पड़ा है उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप तो पहली बार आए हैं तो पहली बार अपना क्रिएट करेंगे तो सीधा डायरेक्टली क्रिएट न्यू सीवी के ऊपर क्लिक करें। दैट्स इट, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहां पर सीवी पड़ा हुआ है तो मैं उसको जो है नहीं दिखा सकता आपके लिए। तो अभी यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका जैसे क्रिएट अ न्यू सीवी किया, एडिट के अंदर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, इंग्लिश लैंग्वेज चूज कीजिए क्योंकि हमें इंग्लिश में ही बनाना है, तो इंग्लिश कीजिए। डेट फॉर्मेट जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखना है। सरबजोत मेरा नाम है, सिंह मेरा लास्ट नेम हो गया, तो आपका जो भी होगा एक्स वाई जेड एबीसी जो भी है आप लिखिए वहां पर। देन अबाउट मी, सबसे बड़ा क्वेश्चन अबाउट मी आता है, क्योंकि ये जैसे मैंने ये मेरा ऑलरेडी जो किया हुआ है मैंने अपने सीवी के ऊपर लिखा हुआ है, अबाउट मी में क्या लिख सकते हैं आप, राइट। पहले तो अबाउट मी में आप देखिए आपको कौन सा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपको आता क्या है, राइट। मेरे बारे में जो लिखा हुआ है, डिजिटल सपोर्ट ऑफिसर हूं मैं, ठीक है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ कॉलिंग के अंदर, राइट, मैं कॉलिंग के अंदर सेल्स करता हूँ, वेब डिजाइनिंग करता हूँ एंड ऑनलाइन प्रमोशंस करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग भी करता हूँ मैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMO, PPC, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सारी चीजें मैं करता हूँ खुद, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाता हूँ, सिखाता भी हूँ। अगर किसी भी लाइक पर्सन ने कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखना है या वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है सीखना है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है जो मेरे को आता है, जो मैं कर सकता हूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये मैंने अपना मेंशन कर दिया कि जो मेरा लिखा हुआ है, जेंडर मेल हो गया फीमेल जो भी आपका है वो आप देख सकते हैं। नेशनैलिटी क्या है आपकी, मेरी इंडियन है, तो आपकी भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के ही मेरे व्यूअर्स हैं तो हम इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी जो मेरा रहेगा, मेरा ईमेल आईडी मैंने लिख दिया, आप अपना ईमेल आईडी लिख लीजिए। फ़ोन नंबर, पहले तो आपको फ़ोन नंबर होम का, ठीक है, जो भी आपका कंट्री है, जैसे मेरा यहाँ पर कोड नहीं आ रहा, वेट आई थिंक कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा है, हाँ जी। तो जैसे कि अभी देखिए फ़ोन नंबर, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ़ोन नंबर कौन सा लिखेंगे, जैसे कोई भी हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका कोई सोशल मीडिया अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ग्रीस का है तो अपना ग्रीस, आप जो भी आपने लिखना है वो आप लिखा लिख सकते हैं वहाँ पर। एड सोशल मीडिया, राइट, अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो आप यहाँ पर फेसबुक पेज के ऊपर भी अपना www करके जो भी आपका .com फेसबुक पेज होगा वो आप लिख लीजिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, स्काइप आईडी, व्हाट्सएप मैसेंजर आपका नंबर होगा, वी चैट, लाइन वेबर, अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेबसाइट, अगर कोई आपकी वेबसाइट है, अगर आपने कोई काम किया है, जो भी आपने अगर आपका है तो वेबसाइट लिख सकते हैं वहाँ पर। जैसे मेरी वेबसाइट है schengenvisa.com, तो मैं यहाँ पर अपनी schengenvisa.com अपनी वेबसाइट लिख रहा हूँ। जो भी आपका एड्रेस रहेगा, होम, ठीक है, तो ये जो भी है, ठीक है, मैंने एड्रेस लिख दिया अपना यहाँ पर। जो भी आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं वो अपना एड्रेस लिख लीजिए। कंट्री कौन सी है आपकी, जो भी आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा, क्योंकि कंट्री सिलेक्ट करने में थोड़ा सा उनका डाटाबेस थोड़ा स्लो है, तो इसलिए आपको ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखिए, ये एक आपका छोटा सा जो है लेआउट रेडी हो चुका है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप अपनी एक फोटो ऐड कीजिए। फोटो ऐड करने के बाद आपको मैं अभी, बहुत बहुत सुंदर बनेगा ये देखने में, अभी थोड़ा सा मे भी ऐसे लग रहा होगा, बट बहुत अच्छा बनेगा ये। देन नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका देखिए टेम्पलेट कौन सा यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर दो तीन टेम्पलेट आपके प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अभी नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो कोई भी अगर टेम्पलेट अच्छा लगता है आपको, वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। अभी तो फोटो नहीं लगाई हुई, तो फोटो लगाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है ये, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमने हमारे लिए सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस पेज पर जाएंगे, एड ए न्यू सेक्शन, ठीक है। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, आप ए टू जेड पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो जैसे जो भी आपका कंपनी नेम है, राइट, एम्प्लॉयर नेम लिख दीजिए, सिटी नेम कर दीजिए, कंट्री, कंट्री जो भी आपने सिलेक्ट करनी है कंट्री आप सिलेक्ट कीजिए। कंट्री मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर सिलेक्ट करने में, तो आप थोड़ा सा लाइक वेट कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर हम डेट कर लें, जो भी आप डेट करना चाहते हैं डेट कीजिए वहां पर, ठीक है। कहाँ तक से कहाँ तक काम किया, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑन गोइंग लिखा हुआ है, और जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपने लिखना है वहां पर लिखिए पूरा प्रॉपर वे से। तो ये एक देखिए लेआउट, काफी अच्छा लेआउट बनना शुरू हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जो है लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स में जाइए, ऐड सेक्शन कीजिए, और मदर टंग क्या है हमारी, पंजाबी हो गई या हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी होगी वो आप कर लीजिए। अदर लैंग्वेज आप कौन कौन सी बोलते हैं, इंग्लिश आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपके जो है A2 B, जो आपका लेवल क्या है, तो मेरा C2 लेवल है। रीडिंग के अंदर कौन सा लेवल है, C2 है। और C2 लाइक एज अ प्रोफेशनल्स हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो C2 लेवल जो होता है कि एज ए प्रोफेशनल आप काफी अच्छे उस लैंग्वेज के अंदर हो, तो आप सेव कर दीजिए। ऐसे करके कॉलम आ गया, राइट। अगर आप उसके बाद दोबारा फिर एक और लैंग्वेज, जैसे कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर आप ऐड सेक्शन कीजिए, ऐड सेक्शन करने के बाद आपका जो है टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन अवार्ड, जैसे कि आपने कुछ भी किया हुआ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग कहाँ से ली हुई है, जो भी आपने ट्रेनिंग की है, आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, यहाँ पर ए टू जेड बिल्कुल काफी अच्छे वे से आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पोस्टल कोड कैसे, जो भी आपका पोस्टल कोड होगा आप लिख सकते हैं। कंट्री फिर वही आपका पूरा, वेबसाइट कौन सी है जो आप वेबसाइट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप करते रहेंगे ऑन गोइंग जो है .com कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेट लिखना है डेट मेंशन कीजिए प्रॉपर वैसे। आपको मैं एंड में बताऊंगा कि हाँ एंड में लेआउट कैसे दिखता है। जैसे मेरा CV मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो A to Z वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। वो ऐसे सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपका देखिए एजुकेशन ट्रेनिंग भी हो गया। एक नया सेक्शन सिलेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट कौन से किए आपने, राइट, हॉबीज क्या क्या है आपकी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रिएटिव वर्क, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद देखिए थोड़ा सा लेआउट और भी चेंज हो गया, ठीक है। एजुकेशन ट्रेनिंग आ गया, लैंग्वेज स्किल्स आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया। तो मेरा जो CV है मैंने इस स्टाइल में किया हुआ है, मेरी यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है, तो काफी सारी चीजें मैं आपके साथ अभी मैंशन करूंगा, शेयर आउट करूंगा। देन नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जैसे भी आप अपना जो भी आप नेम रखना चाहते हैं PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपका जो है CV आप कहीं पर भी सेंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा जो CV है वो मैंने कैसे रेडी किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए, राइट। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा मेरी लाइब्रेरी के अंदर, मेरा जो जो CV है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फुल प्रोफाइल पर जाएंगे, क्लिक किया हमने, तो फुल प्रोफाइल के अंदर ये देखिए, ये मेरा जो CV आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा यहाँ का CV, ओके, ये नहीं है, ये मेरा पुराना CV है। तो मैं अपना जो मेरा लेटेस्ट CV है जो वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मेरा लेटर सीवी है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सरबजोत सिंह, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, मेरी ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट, मेरा यूट्यूब पेज, ओके, लिंक्डइन आ गया, फेसबुक आ गया, देन फेसबुक, मेरी बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एंड क्लियर आउट वहां पर की हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रॉपर अभी देखिए काफी अच्छा लेआउट दिख रहा होगा आपको। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल सपोर्ट ऑफिसर, मैं जलंधर में काम करता रहा हूँ, ठीक है। सेल्स ऑफिसर जो अभी चल रही है मेरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ग्रीस के अंदर जो चल रही है, और एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली जो यूट्यूब के लिए और वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाता हूँ वो मेंशन किया हुआ है। एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है, देखिए पूरी डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSc है। लैंग्वेज देखिए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर, और लीडरशिप स्किल्स क्या है। तो ऐसे करके आपका भी एक CV जो है प्रोफेशनल बेस यहाँ पर अपना रेडी कीजिए इस वेबसाइट के साथ। तो जैसे ही आप रेडी कर लेंगे तो अपना डाउनलोड कीजिए और मेरी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड आउट सेंड कीजिए, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। एंड आपको मैं एक यूरोपियन कंपनी की तरफ से आपको हायर करने के लिए आपका CV सेंड करूंगा। आपको कॉल्स आएंगी, कॉल्स आने के बाद आप जो है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यूरोपियन कंपनी के साथ एज अ सेल्समैन काम कर सकते हैं। फाइंड अ जॉब, सबसे बढ़िया बात यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर अपना CV क्रिएट करने के बाद एक अच्छा फाइंड अ जॉब भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वीडन में अभी एक प्रोग्रामेटिक मैनेजर चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए काफी सारी संता मारिया के अंदर भी उनको ये लैंग्वेज डिफरेंट है, तो स्वीडन के अंदर स्वीडिश लैंग्वेज के बारे में बताया गया। तो अगर आप इंग्लिश के तो सर्च आउट कीजिए, जैसे कि मैंने सर्च किया यहाँ पर डिजिटल डिजिटल मार्केटर, राइट। जैसे डिजिटल मार्केट सर्च आउट किया, फाइंड करेंगे तो जो भी जहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशंस होंगी यूरोप के अंदर, तो आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते। देखिए यहाँ पर आ गया 6615 रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, जॉब्स पड़ी हैं, SEO स्पेशलिस्ट पर चाहिए उनको, ठीक है। और काफी भी जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। जैसे अभी देखते हैं कस्टमर, ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर कंप्लायंस मैनेजर चाहिए उनको, तो यहाँ पर जस्ट सर्च आउट कीजिए अपनी लाइन के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। अप्लाई कीजिए, एक CV अच्छा रेडी कीजिए, ताकि आप यूरोप की कंपनी के अंदर आपको वो हायर कर पाए, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें आपके पास मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।